नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें। आज भी ऐसी ही हलचल भरी खबर सुभी शर्मा से जुड़ी है, क्योंकि सुभी शर्मा ने अभी तक निरहुआ के साथ काम किया है, पवन सिंह के साथ काम किया है, मनोज तिवारी के साथ, रवि किशन के साथ, खेसारी लाल के साथ, लेकिन उन्हें अभी तक सबसे करीबी दो ऐसी पुरानी फिल्में लगी हैं जिसमें पवन और खेसारी दोनों थे। खेसारी के साथ छपरा एक्सप्रेस फिल्म की है सुभी शर्मा ने और पवन सिंह के साथ फिल्म की है भैया किसाली होली वाली। ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी उस टाइम पर, और ये दोनों ही फिल्में सुभी शर्मा के काफ़ी दिल के करीब हैं। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शादी की खबर से भी हलचल मचा दी है, क्योंकि उन्हें अब हमसफ़र की तलाश है और वो हमसफ़र फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बल्कि आम इंसान होना चाहिए। ये बात उन्होंने ही स्वीकारी है। प्रवेश लाल यादव के साथ उनकी शादी की खबरें सिर्फ झूठ हुआ करती थी। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द वो किसी लड़के के साथ शादी में बंध सकती हैं। ये बात उन्होंने स्वीकारी है अपनी जाल फिल्म के सेट से इंटरव्यू में। अगली खबर जुड़ी है प्रिंस सिंह राजपूत से, जिनके हाथ लगी है इस साल की सबसे बड़ी फिल्म, जिसकी खुशी प्रिंस सिंह राजपूत अपने सोशल मीडिया से लगातार शेयर कर रहे हैं। वही प्रिंस सिंह राजपूत हैं जिन्होंने इंडियन विराज फिल्म से बहुत सारे सिनेमाघरों में कब्जा किया था बिहार में। अगली खबर जुड़ी है काजल राघवानी और काजल यादव से। नाम दोनों सेम है और दोनों के नाम पर ही एक फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में बन रही है जिसका नाम है काजल। निर्देशक ब्रजभूषण है। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस फिल्म में आम्रपाली दुबे और आदित्य मोहन, काजल राघवानी को एक साथ देखा गया था प्रमोशनल सॉन्ग करते हुए। हाल ही में कहते नजर आई हैं काजल राघवानी के इस फिल्म में। काजल यादव से पहले मुझे साइन किया गया था, लेकिन समय की कमी के चलते मैं इस फिल्म को नहीं कर पाई। अगली खबर जुड़ी है पवन सिंह से। एक बार फिर से पवन सिंह ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है अपने गाने के जरिए, और ये तीसरा रिकॉर्ड है। 10 करोड़ के पार पवन सिंह के 3 गाने हिट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। एक बार फिर से 2019 की शुरुआत में ही पवन सिंह ने खुद को बेस्ट सिंगर के तौर पर साबित कर दिया है। कौन सा है वो गाना जो 10 करोड़ के पार हुआ है तीसरा गाना? ये जानने के लिए डालिए हमारे इस रिपोर्ट पर एक खास नजर। साथ ही अभी तक जितनी खबर हमने आपको बताई है सब विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार पर्सनालिटी और दमदार कलाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले भोजपुरिया बाहुबली फेम प्रिंस सिंह राजपूत ने लखनऊ में एक बड़ी कंपनी लाल टेक कंपनी लिमिटेड के बैनर तले बनने जा रही साल की सबसे बड़ी महंगी बजट वाली फिल्म को साइन किया है। इस फिल्म की बतौर प्रोड्यूसर रमेश यादव और MA खान हैं, जबकि लेखक वीरू ठाकुर हैं। प्रिंस सिंह राजपूत फिल्म को लेकर दावा भी से कर रहे हैं कि ये फिल्म वर्ष की सबसे महंगी बजट वाली फिल्म होगी, जिसमें एक्शन का हर वो दृश्य होगा जो भोजपुरी दर्शकों को पहली बार देखने को मिलेगा। अभी तक प्रिंस सिंह राजपूत की 2 से 3 ऐसी फिल्में आई हैं जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है, लेकिन ये तीसरी फिल्म होगी जो सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी। प्रिंस राजपूत ने कहा कि इस फिल्म में हर एक सीन दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर करेगा। बहरहाल पिछले साल प्रिंस सिंह राजपूत की फिल्म इंडियन विराज रिलीज हुई थी, जिसको दर्शकों द्वारा जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस फिल्म को साइन कर प्रिंस सिंह राजपूत भी काफी खुश हैं और अपने सोशल मीडिया से लगातार अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। Next9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह गायकी के सिरमौर माने जाते हैं और उन्होंने अपने आप को सुरों का सरताज कई बार साबित भी किया है। आप लोग जानते होंगे कि भोजपुरी गानों में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में पवन सिंह के 3 गाने पहले से दर्ज थे। एक गाना लॉलीपॉप लागी लू, दूसरा गाना रातें दिया बिता के, तीसरा गाना छलकाता हमरो जवनियाई राजा। लेकिन इस गाने के बाद एक बार फिर से चौथे और तीसरे गाने से पवन सिंह ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, एक बार फिर से उनका एक गाना 10 करोड़ के पार पहुंच चुका है, वो भी बहुत कम समय में। इस गाने के बोल हैं पलंगिया ए पिया सोने ना दिया। ये गाना पवन सिंह की फिल्म वांटेड का है, जिसे हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है। फिल्म को तो जबरदस्त रिस्पांस मिल ही रहा है, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। पवन सिंह के साथ इस फिल्म में इंदो सोनाली ने अपनी आवाज दी थी और इस गाने में भी पवन सिंह के साथ इस फिल्म में मनी भट्टाचार्य लीड रोल में नजर आई थी। यानी 3 गानों से सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूज बटोरकार पवन सिंह ने 2019 में एक बार फिर से अपने आप को बेस्ट सिंगर साबित कर दिया है। Next9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। पिछले 10 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री को कई सारी सुपरहिट फिल्में दे चुकी सुभी शर्मा अभी तक जितने सुपरस्टारों के साथ जितने कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया वो ना सिर्फ इनके एक्टिंग की तारीफें करते हैं बल्कि उतने ही व्यवहार से इन्होंने सभी का दिल जीता है। चाहे वो पवन हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव, निरहुआ हो या फिर खेसारी, सभी के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट मानी जाती है क्योंकि एक्टिंग के लाजवाब होने के साथ साथ इनका व्यवहार सभी से काफ़ी अच्छा है। इनसे हर कोई प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह के रिलेशन रखना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ हीरो की पहली पसंद ही नहीं है सुभी शर्मा बल्कि हीरोइनों से भी इनकी खासा बनती है। सुभी शर्मा बिहार की ना होने के बावजूद भोजपुरी इतने अच्छे से बोलती हैं कि कोई पहली बार में यकीन ही ना कर पाए कि वो बिहार के रहने वाली नहीं है। जयपुर के रहने वाली सुभी शर्मा अब शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही हैं। आमतौर पर उनका नाम निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव से कई बार जोड़ा जाता रहा है लेकिन रियल लाइफ में वो शादीशुदा नहीं है और ना ही कभी उन्होंने ऑफिशियली अपने किसी रिश्ते को स्वीकारा है। लेकिन हाल ही के इंटरव्यू में वो कहती नजर आई हैं कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ बिहारी लड़के से ही और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होना चाहिए। जी हाँ, सुभी शर्मा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उन्हें उनका होने वाला हमसफर भोजपुरी फिल्म या फिर किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता हो। उन्हें एक आम इंसान चाहिए जो दिल का बहुत अच्छा हो। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि सुभी शर्मा अपने हमसफर को कब तक ढूंढ पाती हैं और कब अपने फैंस को खुशखबरी देती हैं अपने शादी की। Next9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग सारे सुपरस्टारों के साथ अपनी बेस्ट जोड़ी के रूप में जाने जाने वाली हीरोइन सुभी शर्मा ने अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं और सारी फिल्मों में अलग अलग कलाकारों के साथ नजर आई हैं। फिल्म की कहानी को देखकर सुभी हर फिल्म को हाँ कर देती हैं लेकिन कई हीरोइनों में हीरो को देखकर काम करती हैं। अगर हीरो बड़े हैं सुपरस्टार तो वो काम करेंगी, अदरवाइज फिल्म की कहानी को करने के लिए मना कर देती हैं। लेकिन सुभी शर्मा में ये बात नहीं है। वो सबसे पहले फिल्म का कॉन्सेप्ट देखती हैं, उसके बाद फिल्मों के लिए हाँ कर देती हैं चाहे कलाकार छोटा हो या बड़ा। यही कारण है कि उनके पास काम की कभी भी कमी नहीं पड़ी है। भोजपुरी के बड़े से बड़े सितारों के अलावा नए नए सितारों के साथ भी सुभी शर्मा काम कर चुकी हैं। हाल ही में सुभी शर्मा ने निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में निरहुआ के अपोजिट काम किया है। इससे पहले निरहुआ की काफ़ी सारी फिल्मों में सुभी शर्मा नजर आ चुकी हैं। यही कारण है कि निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव से कई बार सुभी शर्मा के अफेयर्स की खबरें भी सामने आई। हालांकि दोनों ने अपने इस रिश्ते को ऑफिशियली कभी नहीं स्वीकारा है। हाल ही में सुभी शर्मा ने अपने शादी को लेकर इंटरव्यू दिया जिससे ये बात तो साफ हो गई कि सुभी अभी शादीशुदा नहीं है लेकिन जल्द ही शादी करने वाली हैं। इन सब के अलावा 100 से ज़्यादा फिल्मों करने में जब सुभी शर्मा से ये पूछा गया कि आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है तो उन्होंने 2 ऐसी फिल्मों का नाम लिया जिसमें निरहुआ का नाम कहीं भी नहीं था। जी हाँ, सुभी शर्मा ने कहा कि मेरे दिल के करीब है छपरा एक्सप्रेस जिसमें खेसारी लाल जी मेरे साथ थे। दूसरी फिल्म मेरे दिल के पास है भैया किसाली ओढ़निया वाली जिसमें पवन जी मेरे साथ थे। ये फिल्म बहुत पारिवारिक थी। इस फिल्म का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। इस फिल्म की कहानी मुझे बहुत पसंद है और मैं इसी तरह की फिल्में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। Next9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म की खूबसूरत अदाकारा काजल राघवानी इन दिनों मलेशिया और दुबई में खेसारी के साथ अपनी नज़दीकियों को लेकर खासा चर्चाओं में है। लेकिन इससे पहले वो अपने काफ़ी सारे फिल्मों में प्रमोशनल सॉन्ग और फिल्मों की शूटिंग करके अपना वीकेंड एंजॉय करने गई हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में काजल फिल्म के लिए आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी दोनों ने एक ही फिल्म में प्रमोशनल सॉन्ग किया है। लेकिन इससे पहले काजल राघवानी को इस फिल्म के लिए लीड रोल के लिए ऑफर किया गया था लेकिन समय ना मिलने के चलते काजल राघवानी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उसके बाद काजल यादव को इस फिल्म के लिए साइन किया गया। जी हाँ, काजल राघवानी की जगह अब आपको काजल यादव इस फिल्म में नजर आएंगी जिसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द आपको सिनेमाघरों में देखने को भी मिलेगी। काजल यादव के साथ इस फिल्म में आदित्य मोहन नजर आएंगे जिन्होंने हाल ही में आम्रपाली दुबे के साथ एक प्रमोशनल सॉन्ग किया जो अभी से चर्चाओं में बना हुआ है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब ये फिल्म रिलीज होती है तो दर्शकों को कितनी पसंद आती है। Next9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के भोजपुरी हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।